हाय, मैं डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानेंगे पैन पुशअप एक्सरसाइज, जिसे हम एनपीसी नियर पॉन कन्वर्जन एक्सरसाइज भी कहते हैं। यह ह्यूमन आई की एक सामान्य एक्सरसाइज होती है और आई को मेंटेन व हेल्थी रखने के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। पैन पुशअप एक्सरसाइज क्या होती है? पैन पुशअप एक्सरसाइज हमको क्यों करनी चाहिए? पैन पुशअप एक्सरसाइज कैसे करते हैं? क्या पैन पुशअप एक्सरसाइज से स्क्विंट को ठीक किया जा सकता है? यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। पैन पुशअप एक्सरसाइज आई की एक सामान्य एक्सरसाइज होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी को मेंटेन व हेल्थी रखने के लिए अनेक एक्सरसाइज कराई जाती हैं, ऐसे ही आई को मेंटेन व हेल्थी रखने के लिए पैन पुशअप एक्सरसाइज कराई जाती है। पैन पुशअप एक्सरसाइज का करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? यह हम किन किन कंडीशन में कर सकते हैं, यह एक बार जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हैवीनेस आई यानी आँख पर जोर लगना, वीकनेस आई यानी थकी हुई आँख महसूस होना, हेडेक यानी सिर दर्द होना या सिर दर्द बना रहना, डिफिकल्ट रीडिंग रीडिंग करते टाइम धुंधला दिखाई देना या फिर शब्दों को तैरते हुए महसूस करना, रीडिंग टाइम स्लीप यानी पढ़ते टाइम नींद का आ जाना, डबल विजन यानी डिप्लोपिया डबल दिखाई देना, जैसे एक शब्द का डबल दिखाई देना व एक वस्तु का डबल दिखाई देना, वर्टिगो यानी चक्कर आना। यह कंडीशन आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों एंड एडल्ट में अधिक पाई जाती है। इस एज में जब बच्चे लंबे टाइम से स्टडी करते हैं, उनकी आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं एंड आँखों में असुविधा का कारण बनती हैं। लंबे टाइम से कंप्यूटर व एंड्रॉइड फ़ोन यूज करने से व रीडिंग करने से यह समस्या हो सकती है। पैन पुशअप एक्सरसाइज को कैसे करते हैं यह अब हम जानेंगे। जैसे यह मेरे पास पेन है, पेन को बोतई से पेन की टिप पर देखना होता है। नोज के डायरेक्शन में आपको इस पेन को ऐसे रखना होगा। दो डायरेक्शन में मोमेंट करती है, एक नाजल साइड, दूसरा होता है टेम्पोरल साइड। ये आपको समझना ज़रूरी होता है, पर अभी हम इस पेन को बिल्कुल दोनों ही आई के बीच में डायरेक्शन में पेन को रखेंगे और इस पेन की टिप पर फोकस करेंगे। इस पेन की टिप पर फोकस करते हुए पेन को धीरे धीरे पास लेके आएंगे। जब पास आप लेके आओगे तो जब आई के नज़दीक पेन पेन की टिप आ जाएगी, तो पेन की टिप या तो डबल या ब्लर होना शुरू हो जाएगी। वो आपका एक इंडिकेट रहेगा, उस इंडिकेट को आपको समझना है कि इस इंडिकेट पर आपको पेन को स्टॉप करना है, रोकना है। वहीं से आपको आगे पीछे ऐसे ऐसे करना है। ये डे में 5 मिनट के लिए, इवनिंग या मॉर्निंग में किसी भी टाइम आप कर सकते हो। यानी आँख का टेढ़ापन समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पेन पुशअप एक्सरसाइज करते हैं, आई दो डायरेक्शन में मोमेंट करती है, जैसे नाजल साइड यानी ये मैंने स्पेक्स को उतारा, ये नाजल साइड यानी नोज की साइड, काली वाली पुतली इधर को आपको महसूस आना शुरू हो जाएगी, तो ये इसे हम नाजल साइड बोलते हैं। और ये रहता हमारा टेम्पोरल साइड, साइड होता आई का। जब हम पेन पुशअप एक्सरसाइज करते हैं, आई दो डायरेक्शन में मोमेंट करती है, जैसे नाजल साइड यानी आँख का नोज की तरफ जाना, दूसरा टेम्पोरल साइट यानी आई का एयर की तरफ जाना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते टाइम आई का मोमेंट नोज की तरफ जा रहा है, तो आप अपने स्कूंट को कंट्रोल व ठीक कर सकते हैं। यदि आई का मोमेंट टेम्पोरल साइट जा रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से अवश्य ही मिलना चाहिए।
उस्कुंड के लेवल के हिसाब से या तो साइनोप्टो 4 की एक्सरसाइज कराई जा सकती है या फिर उस्कुंड की सर्जरी के लिए बोल दिया जा सकता है। ये आपके नज़दीकी आई डॉक्टर पर डिपेंड करता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माई दिस वीडियो।